किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट्स। आर एंड एस यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज की एक अहम खबर पर। हैदराबाद में घरों के झगड़े फिर से आने लगे मंजर आम पर। ये बात कोई नहीं है, हमेशा इसी तरह से होता है, घरेलू झगड़े जो है मीडिया के सामने आ जाते हैं, लेकिन ये झगड़ा कुछ अलग किस्म का है, कुछ इसमें और ही है। तो बहरहाल और क्या है वो जानने की हमें जरूरत है। तो आइए, एक दामाद जो है अपने ससुर के खिलाफ और अपने ससुराल वालों के खिलाफ कुछ कहता है, किस ताल्लुक से कहता है, ये तफसीलात हम हमारी जबानी नहीं बताएंगे, बल्कि यही लड़की की जबानी तमाम तफसीलात हम आपको सुनाएंगे भी और दिखाएंगे। ज्वेलरी दिलाया, खुद ईद हुए थे, मतलब अच्छे बुरे में नहीं पहना, अपनी हेल्थ, बच्चा कैसा था मेरा कैसा हो गया, मगर परिवार को अच्छी तरीके से देखा, मगर उनकी बीवी को मोबाइल के सिवा कुछ नहीं होना, मोबाइल के ऊपर जी हो, सब झूठ है, इल्जाम सब झूठ है। सब इंक्वायरी करके आप लोग तहकीकात करके जिसकी गलती है उनको सजा दे सकते। इतने झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली वाला है, बच्चा यहाँ का है, ऐसा कुछ नहीं है। अंजनी कुमार से और महमद अली साहब से गुजारिश है कि सब इंक्वायरी करिए, जिसका कसूर है उनको सजा दीजिए। और मेरे जहाँ तक के मेरा वो है कि हम उम्मत मुस्लिमा से हैं, ऐसा घरेलू मसले बाहर नहीं उछालना है, अच्छी बात है क्या ये, ऐसा शुक्रिया अदा करती मैं इन बच्चों का, प्रेस वालों का भी, जो आके हमारी बात की सुनवाई करे। मैं मजबूरन ये कदम उठाई, परसों हमारे बारे में झूठ सच इतना सब कुछ लगाए, इसमें गवर्नमेंट से गुजारिश है कि अच्छे से अच्छा आप तहकीकात करिए, जिसकी गलती है वो उनको सजा दीजिए। और मैं एक वीडियो शो दिखाती हूँ आपको, वो बच्ची के ऊपर जो शहनाज बेगम के लिए बोल रहे हैं ना, मेरे भी बच्चियां हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी बच्ची के ऊपर इतना जुल्म हो, हम इतने जालिम लोग नहीं हैं, मेरा एक लौता एक बच्चा है, बेटियां हैं, शादियां हो गए, घर में हम तन्हा रहते। ये वीडियो देख सकते हैं आप, 2016 का है, जब मैं मेरी सास का चहलुम होने के बाद में आई थी, तो मेरा बच्चा नामपल्ली स्टेशन पर मेरे को लेने आया था, तो जब ये शहनाज बेगम हमारे साथ में करे, ये पहली मुलाकात है हमारी इनकी, नहीं तुम आए कैसा लेने जी हो, ऑफिस से आए थे हम जी हो, मेरे को बोल रहे हैं वो वीडियो किसकी ले रही बोल के, मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ, मेरे वो लोग क्या बोले कि मैं ससुरे को एक बात पूछ रहा था, चीज कहाँ जा रही है, वो बोले कि पॉलिश करने भिजा रहा हूँ मैं उसको, पॉलिश करके फिर रिटर्न मंगाता हूँ, बोले क्या ताल्लुक है वो आलम से, वहाँ उन्होंने मुजावे रहे, वहाँ पर मीर साबिर अली नाम है उनका, उन्होंने मुजावे रहे वहाँ पर, उनके अंडर में है सब कुछ, ये उनको ये जो चीज़ हटाना रहता है वो सीसीटीवी क्लोज करके, वो जब वो चीज़ हटाते, वो हटने के बाद घर में फ़ोन करके बोलते के बाद आता कि मैं चीज़ हटा दिया, कैमरे ऑन कर लो, और उससे पहले एक 7 kg का चांदी का नारियल मिस हुआ था, वो निज़ाम के दौर का है, एंटिक पीस है वो, मैं बोला वो चीज़ कहाँ है, तो तुम्हारे को पूछने का क्या है, इसके बारे में कोई कंप्लेंट दिया नहीं, फर्स्ट टाइम कंप्लेंट देके आ रहा हूँ, वर्क बोर्ड में डायरेक्ट देके आ रहा हूँ, वहाँ से क्या एक्शन हुआ, वहाँ से इनके ऊपर एक्शन हुआ, एक्शन होने के बाद ये लोग मेरे को ढूंढते फिरे 2 दिन तक, कल अचानक ये लोग मेरे पर हमला करें, मारने के मेरे घर पर आके हमला करें, मेरे दो साले आए थे और एक साजिद अली नाम है उनका, मीर आमिर अली एक है और एक इम्तियाज नाम है उनका, जी ससुरे भी आए थे, मीर साबिर अली नाम है उनका, और दो चार लेडीज़ आए थे उसमें, चारों लेडीज़ का नाम है, एक शहनाज बेगम नाम है उसमें, एक तैयबा बेगम नाम है,
शाइन बेगम नाम है, आमिना बेगम नाम है। आपकी बीवी कुछ नहीं बोली इसके अंदर? नहीं, उन्होंने भी इन्वॉल्व है सब, उन्होंने भी मारे मेरे को, उन्होंने भी पत्थरों से मारे, जो हाथ को मारे, यहाँ तक तो बताता हूँ कि हाथ में लोहे का आइटम था एक, उसे भी मारे उन्होंने। ये जो अलम मिस हुआ जी, ये अलम का है और कितना वेट है इसका, क्या है? अलम गोल्ड का है साहब ये, और 1 kg मिनिमम है वो, खदमे रसूल में लाके रखे थे वहाँ पर। जिसका अलम है उन्होंने बाधा पूछे भी मिस होने के बाद, ये चीज़ कहाँ गई, उन्होंने बोले मेरे को नहीं मालूम चीज़ बोल के, उन्होंने जाके FIR करे उसकी 2016 में, उसकी FIR कॉपी भी मेरे पास है। जब उन्होंने शादी में मांगे तो उनको नहीं मालूम बोले, उन्होंने नहीं मालूम बोल रहे हैं। उसके बारे में RMS न्यूज़ चैनल पर वायरल भी हुई उनकी न्यूज़, उसमें उन्होंने 2 बार टॉपिक चेंज कर रहे हैं उसमें, ये इसका FIR कॉपी है। तो ये आप कंप्लेंट करने की वजह से आपके ऊपर हमला हुआ? जी हाँ। सर ये मैटर क्या है बोले तो, मेरे पास फैमिली इशू कर दिए, ये चीज़ मेरे को मालूम होने की वजह से, कि मेरी वाइफ को क्या करे कि तुम इनके खिलाफ जाके कंप्लेंट लगाओ कि ये चीज़ में उन्होंने इन्वॉल्व नहीं होते बोल के मेरे पर प्रेशर डाला इन्होंने। प्रेशर डालने के बाद उन्होंने मेरे वाइफ जाके वुमेंस पुलिस स्टेशन में झूठी कंप्लेंट लगाई कि मैं उनको मार रहा हूँ, कर रहा हूँ, गाड़ी के लिए फोर्स कर रहा हूँ सब। मैं बात करता हूँ, हर चीज़ जगह हर जगह घुमाया करा, मेरे पास प्रूफ्स है पूरे उनका, एक जगह FIR भी चल रहा, उसके रिकॉर्डिंग से मेरे पास हर चीज़ है मेरे पास, और ये लड़ाई में मेरा फ़ोन छीन के लेके चले गए लोग। अभी जो एक 2 दिन पहले से जो एक वीडियो वायरल हो रही है आपके ताल्लुक से जी, क्या आप जो है टॉर्चर कर रहे हैं, हरासमेंट, सब झूठ है सर, मेरे पास हर रिकॉर्ड है मेरे पास। कितने साल हो रहा आपकी शादी होकर? मेरी शादी होकर 11 साल हो रहा है। कितने बच्चे हैं? मेरे को 2 बेटियाँ हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरी बेटियों का जो भी है अच्छे से देखभाल कर सकूँ मैं, और उनको रखना चाह रहा हूँ, उन्हें छोड़ने के लिए बार बार बोल रहे हैं, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। उनका अफेयर चल रहा है साहब, मेरे को छोड़ने के बाद उन्हें दूसरे के साथ लगना चाह रहे हैं। मेरे पास बाबा रिकॉर्डिंग्स है और हर चीज़ है मेरे पास, और एक वीडियो भी है मेरे पास उनका, मेरा जो फ़ोन छीन के ले गए उसके अंदर वीडियो है मेरा। इनके जो जिससे बात कर रहे हैं उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड है, पूरा डाटा बैकअप है उसके अंदर मेरा। तो पुलिस से आपको रिस्पांस मिला? रिस्पांस तो कुछ भी नहीं मिला सर, खाली उन्होंने पेटिशन कॉपी करके दे दिए मेरे को, जो भी है कार्रवाई कर देंगे, आप जाओ बोल के भिजा दिए मेरे को। अभी आपकी वाइफ कहाँ है? अभी उनके घर पे है साहब। कितने दिन से? उन्होंने कम से कम 1 महीने से हैं। आपसे बात हो रही है? अभी तो कुछ भी बात नहीं हो रही सर। आना चाह रहे, नहीं आना चाह रहे, कुछ बोल रहे? नहीं कुछ भी नहीं बोल रहे साहब, उल्टा उनके तैयबा बोल के भाभी है, उन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और उनके गलत ताल्लुक है। आप क्या चाह रहे, छोड़ देना चाह रहे? नहीं साहब, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, उनको लाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग आपस में बैठ के भी इसका सुलह मशवरा कर सकते? नहीं, वो लोग नहीं चाह रहे साहब, इससे पहले ट्राई करा मैं, इससे पहले भी मेरे वालदा के ऊपर हमला करे उनका। अब आपका मीडिया में आने की वजह क्या है? आप लोग बैठ के भी सुलह कर सकते हैं बात का? ये परसों जो झूठ झूठ बोल डाले, हमले कर रहे हैं, कल जो रोज़ नया FIR लिखा रहे हैं, कभी रैन बाज़ार में, कभी चंद्रान गुट्टे में, कभी वो मीर चौक में, जिधर वुमेंस PS में 1 साल से केस है, कोई इज्जतदार बच्ची पुलिस स्टेशन नहीं जाती, बड़ों को बोल के शॉर्ट आउट करती, हम उनके शादी में इन्वॉल्व नहीं है, हम इनका कोई मसले में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हम बेहतरी से समझाए, मगर वो बच्ची रहने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो बच्ची के वालिद साहब जो बच्चे के बारे में बोल रहे हैं मेरे कि पैसे हर टाइम लेता था, बेल्टों से मारता था, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जिस जिस घर में वो बच्चा रहा मकानदारों से पूछ सकते कि कितनी बार मारा और कितने पैसे मंगाया, बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकते। मेरा इकलौता एक बेटा है, मैं इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे थे, इन्हों तन्हा बच्चे को देख के उन्होंने शादी करे, हम शादी में इन्वॉल्व नहीं है, मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास ये शादी के ये पेपर के साथ में ये रुखा आया 2011 में 24-25 या कुछ डेट को मार्च में नवंबर में कुछ शादी करे, और उसके साथ में ये लीगल पेपर भेजे हमारे पास के एजाज अहमद के और शनाज बेगम के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, नहीं तो हम किसी तरीके से भी एक्शन ले सकते। तो जब ये देखने के बाद में ये पेपरों पे रिश्ते नहीं होते, दिलों से होते, अब जब मैं एक्सेप्ट भी करना चाहिए तो वो बच्ची नहीं आई, और मैं फिर मेरी सास का इंतकाल हुआ था, मैं गांव में गई थी, मैं आने के बाद में मैं बच्चे को कॉल करी आके ले जाओ, हम गम में थे, तो जब मेरा बच्चा मेरे पास आया लेने हमारे को नामपल्ली स्टेशन पे, तो वीडियो वायरल हो रही है उसके अंदर जमीन का भी जिक्र चल रहा है, वाले साहब आपको जमीन दिलाए? नहीं, जमीन उन्होंने नहीं दिलाया साहब, जमीन मैं अपने पैसों से लिया, मेरा कलामे पाक हाथ में लेके उनको बोल दो बोलो हम छोड़ देते, बैंक स्टेटमेंट में लाके भी शो कर सकता हूं। आप दिलाए बोल के
बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास। किसके नाम पे जमीन? जमीन उनके नाम पे सर, उल्ला फोर्स करने पे मैं उनके नाम पे करा वो जमीन। रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री है। ये शमशाबाद से 12 किलोमीटर अंदर है सर। बच्चा स्कूटी एक्टिवा चलाने सिखाया। हाँ, बच्चा बोलते सो जो डिमांड करती थी वो बच्ची वो दिलाता था। हमारा एक अकेला बच्चा है, हमारे हम भी सपोर्ट करते थे। मम्मी परेशान हूँ बोले तो मैं भी बिजनेस करती हूँ, मैं भी सपोर्ट करती थी, मगर हम किसी को शो नहीं करते। प्रूफ देने में हमारे अपने बच्चे की सपोर्ट करें तो हमारे को जरूरत क्या है किसी को। मेरे को गवर्नमेंट अंजनी कुमार, हमारी आवाम से सबसे गुजारिश है कि अंजनी कुमार सर तहकीकात करे, इंक्वायरी करे अच्छी तरीके से, जो कसूरवार है उनको। जर्मन टेन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन टेन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।